किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर में सैकड़ों बांग्लादेशी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि किस कदर ये सभी बांग्लादेशी है जो कि किशनगंज के रास्ते भारत में प्रवेश करने की फिराक में लगे हुए हैं, और खास करके किशनगंज से सटे इस्लामपुर में, क्योंकि किशनगंज बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है और बंगाल में ही पड़ता है बांग्लादेश का बॉर्डर, लेकिन किशनगंज के पास ही है। अब यहाँ पर किशनगंज में सैकड़ों बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने की फिराक में है। जैसे कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश में उथल पुथल हो गया है, जहाँ वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना हुए देश छोड़कर के भाग गई है, और अभी बांग्लादेश जल रहा है। अब बहुत से लोग बांग्लादेश छोड़कर के भारत आने की फिराक में हैं। इसी को लेकर के ये ताजा मामला सामने आया है कि किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर में सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किशनगंज के रास्ते। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में भीषण हिंसा के चलते शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने और फिर भागने के लिए मजबूर होने के बाद बांग्लादेश में अनिश्चितता व्याप्त है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग कर दी और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय सरकार का प्रमुख नियुक्त किया, जिसके बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और फिर हिंसा जारी है। ये सभी बांग्लादेश के भीतर प्रदर्शनकारियों द्वारा हमले की आशंका से प्रेरित थी, जहां सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में शरण मांगने लगे। इसके बाद BSF कमांडेंट अजय शुक्ला और इस्लामपुर के पुलिस अधिकारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को वापस लौटाया, जहां सभी बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में शरण मांगने लगे। जिसके बाद BSF कमांडेंट अजय शुक्ला और फिर इस्लामपुर के जो भी थॉम्स समेत पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को वापस लौटाया, जिसके बाद से किशनगंज जिले से सटे भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी कर दी गई है और भारी मात्रा में BSF जवान और अधिकारी तैनात होकर के सीमा पर नजर आए हुए हैं। इस पर BSF के अधिकारी ने बताया है कि बांग्लादेश के ग्रामीणों का एक समूह सीमा के पास पहुंचा, जिससे थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। BSF कर्मी तुरंत समूह से भिड़ गए और बिना किसी प्रतिकूल घटना के स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया, जिसके बाद ग्रामीण अपने घरों को लौट गए और BSF बल हाई अलर्ट पर है। हमारी सेनाएं स्थिति पर बारीकियों से नजर रख रही है और किसी भी घटनाक्रम का जवाब देने के लिए तैयार है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। जी हां, बिहार की किसी भी खबर को या फिर किशनगंज की किसी भी खबर को KDB लाइव ऐप में आप मात्र 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 4-5 मिनट ले लिया जाता है, 3 मिनट तो कम से कम ले ही लिया जाता है, जिससे आपके समय की बर्बादी होती है। तो इसमें अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं तो KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस ऐप में आप खबर को देखने के साथ साथ खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जिस भी खबर को आप पोस्ट करेंगे आपके खबर को दूसरे लोग देखेंगे भी KDB लाइव ऐप में। जी हां, ये ऑप्शन दिया गया है, ये आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट बना लेंगे तभी आप खबर को पोस्ट कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे। बहुत सारी सुविधा दी गई है, ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।